हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप जेके एसएसपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके पीएसआई, जूनियर असिस्टेंट, एसएससी, सीजीएल या रेलवे या सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आज हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। सो करंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें हम पूरे के पूरे जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हमने कवर किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पे करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है, आंसर आपका रहेगा आंसर ए। ठीक है, तो श्री नरेंद्र मोदी जो हैं करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। साथ में आपको बताना चाहूँगा इनके पास कुछ और भी चार्जेस हैं, कुछ और भी इनके पास डिपार्टमेंट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन का डिपार्टमेंट भी इनके पास है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आपको जहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो हमारे करंट अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर और करंट के प्राइम मिनिस्टर ये कौन से नंबर के हैं जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर टू, करंट डिफेंस मिनिस्टर बताना अपने इंडिया का, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन जयराम गडकरी या जेपी नड्डा? सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका जहां पे बी रहने वाला है। सो करंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो जहां पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में आप। ठीक है, तो करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के? श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट होम मिनिस्टर बताइए इंडिया के कौन है? करंट होम मिनिस्टर मनोहर लाल हैं, पीयूष गोयल हैं, जीतन राम मांझी हैं या अमित शाह? क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर रहेगा? सो जितने भी बच्चों का आंसर जहां पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अमित शाह जी हमारे करंट क्या है? होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। ठीक है, तो करंट हमारे होम मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह। इसके साथ साथ इनको एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री और भी दी गई है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है होम अफेयर के ऊपर ना पूछा जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। सो आपको ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, तो करंट मिनिस्टर होम अफेयर सो श्री अमित शाह एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सो वो भी इसका आंसर जो है सेम रहेगा, श्री अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बारे में बताइए, जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह जी, नितिन जयराम गडकरी जी, राजनाथ सिंह? ठीक है, तो जहाँ पे राजनाथ सिंह को आप एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं। दोनों में से कौन सा आंसर रहेगा? आंसर ए और बी, सी में कौन सा रहेगा? सो ए और सी की बात करें तो आंसर आपका सी बनेगा। नितिन जयराम गडकरी जो हैं ये हमारे करंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं हमारे करंट श्री नितिन जयराम गडकरी। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु इज द करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बताना अपने इंडिया के, शिवराज सिंह चौहान है, निर्मला सीतारमण है, जेपी नड्डा है या नितिन जयराम गडकरी हैं? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या रहेगा? सो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा सी, जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, तो ये हमारे करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको साथ साथ में इसलिए आपको ऐड ऑन सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, इनके पास सिर्फ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर्स नहीं है, इनके पास केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इनके पास है। ठीक है, तो केमिकल और फर्टिलाइजर्स जो मिनिस्ट्री है ये भी किसके पास है? श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के पास। ठीक है, तो दो मिनिस्ट्री इनके पास, एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकेंड इनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर बताइए इंडिया का कौन है, करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जगत प्रकाश नड्डा, नितिन जयराम गडकरी, शिवराज सिंह चौहान या निर्मला सीतारमण? बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स का। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या आंसर रहेगा? सिक्स का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा सी, दैट इज शिवराज सिंह चौहान।
शिवराज सिंह चौहान जी जो है हमारे अभी करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि शिवराज सिंह चौहान जी पहले किस स्टेट के जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो जहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान के पास, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री नहीं है, इनके पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इनके के पास है, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के साथ इनके पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इनके पास है। जे कौन सी स्टेट के मुख्यमंत्री थे पहले, जे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के, करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर हैं, मनोहर लाल हैं, पीयूष गोयल हैं या निर्मला सीतारमण? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा डी, दैट इज निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जी करंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इनके पास एक मिनिस्ट्री तो फाइनेंस की है, एक मिनिस्ट्री इनके पास है कॉरपोरेट अफेयर्स की, ठीक है। तो दो आपको याद रखने, एक कॉरपोरेट अफेयर्स और दूसरी फाइनेंस की, ठीक है। किसके पास है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बताइए इंडिया का, करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सी आर पाटिल या डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर? अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, सी आर पाटिल और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर में बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सी और डी में एलिमिनेट कीजिए कौन सा आंसर सही है। सो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका डी बनेगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो जहाँ भी आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसके पास है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास। क्वेश्चन नंबर 9, करंट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर बताइए इंडिया का, करंट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एच डी कुमार स्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। सो जितने भी बच्चों का आंसर जहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, मनोहर लाल जी के पास है। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जहाँ पे देख सकते हैं इनके पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो जी आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर है श्री मनोहर लाल जी के पास। और मनोहर लाल जी, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, पूरा नाम इनका जी, मुझे बताइए किस स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो इससे पहले कौन सी स्टेट के जी मुख्यमंत्री थे, जी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एजुकेशन मिनिस्टर बताइए इंडिया के, जितन राम मांझी है, सर्वानंदा सोनोवाल है, धर्मेंद्र प्रधान है या एस जयशंकर हैं, बताइए इसका आंसर। एस जयशंकर के बारे में हमने डिस्कस किया, जे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। आप तीनों में से बताइए कौन सा आंसर रहेगा, करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आंसर आपका सी बनेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के। जहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। तो जहाँ से हमारे हाफ क्वेश्चन जो है कवर हो गए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आंसर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की, करंट जल शक्ति मिनिस्टर बताइए इंडिया का कौन है, करंट जल शक्ति मिनिस्टर। चिराग पासवान, जी किशन रेड्डी, सी आर पाटिल मनसुख एल मांडविया, बताइए इसका आंसर। करंट जल शक्ति मिनिस्टर, सो करंट जल शक्ति मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के वो अभी करंट है सी आर पाटिल, ठीक है। तो सी आर पाटिल जो है हमारे करंट जल शक्ति मिनिस्टर हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं सी आर पाटिल जी, इन जो अभी करंट मिनिस्ट्री है जल शक्ति की, वो इनकी पास है, इन्हीं के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, करंट मिनिस्टर बताइए आप यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, ठीक है। स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर बताइए करंट में अभी कौन है? हरदीप सिंह पुरी है, किरण रिजिजू है, अन्नपूर्णा देवी है या मनसुख एल मांडविया है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। जितने भी बच्चों का आंसर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, मनसुख एल मांडविया जो है करंट हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके पास लेबर और एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री भी इनके पास है और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी इनके पास है, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख लीजिएगा इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मिनिस्टर बताइए कोल माइंस ऑफ इंडिया, कोल माइंस के करंट मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, भूपेंद्र यादव है, गिरिराज सिंह है या जी किशन रेड्डी है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका बनेगा डी, जी किशन रेड्डी, जी हमारे करंट कोल माइन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास मिनिस्ट्री कोल की भी है और माइंस की मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, किसके पास है? जी किशन रेड्डी जी के पास। करंट मिनिस्टर बताइए पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया, कौन है करंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? हरदीप सिंह पुरी, अमित शाह, किरण रिजिजू या वरिंदर कुमार, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का,
सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, दैट इज किरेन रिजिजू। इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री इनके पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, एक तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की है, एक इनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं किरेन रिजिजू के पास, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट आपने बताना मिनिस्टर कौन सा, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बताना आपने, निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, या दोनों हैं इसमें से, बोथ एन बी या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, जी फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास। सो आंसर आपका क्या बनेगा, अन्नपूर्णा देवी, आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। तो इनके पास है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, किसके पास, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मिनिस्टर बताइए आप कल्चर एंड टूरिज्म के, कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर बताइए इंडिया के कौन से हैं, भूपेंद्र यादव हैं, ज्योतिराव सिंधिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, या गिरिराज सिंह हैं, बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। सो 16 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा सी, दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर है। तो ये करंट हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, करंट कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इनके पास कल्चर की मिनिस्ट्री भी इनके पास है, टूरिज्म की मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। सो 16 का आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मिनिस्टर बताइए इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री किसके पास है, भूपेंद्र यादव के पास, अश्विनी वैश्व के पास, वैष्णव के पास, जुआल ओरम के पास, या अमित शाह जी के पास, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। सो 17 का आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा, भूपेंद्र यादव जी के पास है कौन सी मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव जी के पास जो अभी मिनिस्ट्री है वो है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, ये आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, करंट मिनिस्टर बताइए करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेलवेज के करंट मिनिस्टर कौन से हैं, जी किशन रेड्डी, सी आर पाटिल, चिराग पासवान, या अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या रहेगा, 18 का जो आंसर रहेगा वो आंसर डी बनेगा आपका, अश्विनी वैष्णव इनका राइट आंसर है। तो ये करंट मिनिस्टर हैं किसके, रेलवे के। अब इसके पास इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, एक तो इनके पास रेलवे की मिनिस्ट्री है, एक इनके पास मिनिस्ट्री जो है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है, एक इनके पास मिनिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। जी आप याद रखिएगा, तीन मिनिस्ट्री इनके पास है, एक तो रेलवे की है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जी मिनिस्ट्री, तीनों की तीनों मिनिस्ट्री इनके पास है, किसके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, करंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बताइए इंडिया के, करंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, प्रहलाद जोशी हैं, वरेंद्र कुमार हैं, जुआल ओरम है, या पीयूष गोयल है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा सी, जुआल ओरम, जी करंट हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जुआल ओरम, श्री जुआल ओरम जी, जे हमारे करंट ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मिनिस्टर बताइए पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज ऑफ इंडिया के, करंट पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज ऑफ इंडिया। सो करंट मिनिस्टर कौन है, करंट मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, राजीव रंजन लिखा हुआ है, रंजन सिंह, सर्वानंद सोनोवाल, जीतन राम मांझी, या एच डी कुमार स्वामी, ठीक है। सो आंसर इसका क्या रहेगा, आंसर बी बनेगा, सर्वानंद सोनोवाल जो है हमारे करंट पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर है इंडिया के, ठीक है। तो जी आप देख सकते हैं सिर्फ इनके पास यही मिनिस्ट्री है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज की। क्वेश्चन नंबर 21, करंट मिनिस्टर बताइए माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पीयूष गोयल हैं, जितन राम मांझी हैं, या सर्वानंद सोनोवाल हैं, बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। सो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका बनेगा सी, दैट इज जितन राम मांझी जो है हमारे करंट कौन से मिनिस्टर हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के, ठीक है, ठीक है। तो जो इनके पास ये मिनिस्ट्री है जहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मिनिस्टर बताइए पंचायती राज इन इंडिया, पंचायती राज मिनिस्टर बताइए इंडिया के, राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह, ठीक है, उसके बाद प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, या जुआल ओरम, बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। सो 22 का आंसर रहेगा, आंसर ए बनेगा, राजीव रंजन सिंह जी, जे करंट हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, पंचायती राज। अब इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है, एक तो इनके पास पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये इनके पास ये मिनिस्ट्रीज हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आपको पंचायती राज के ऊपर ना पूछा जाए, फिशिंग और एनिमल्स के ऊपर पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री किनके पास है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री रहेगी उसको हम कवर करेंगे, श्री एच डी कुमार स्वामी जी के पास जो मिनिस्ट्री है वो है हैवी इंडस्ट्रीज की और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की इनके पास है, पीयूष गोयल जी के पास जो मिनिस्ट्री है वो कॉमर्स की और इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है, उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे डॉक्टर वरिंदर कुमार जी के पास जो मिनिस्ट्री है वो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की, ठीक है। उसके बाद किंजा रुप्पू राम मोहन नायडू, इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो सिविल एविएशन की है, कौन सी है, सिविल एविएशन की।
इसके बाद बात करेंगे श्री प्रहलाद जोशी के बारे में, तो इनके पास कंज्यूमर अफेयर की मिनिस्ट्री है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, किसके पास, श्री प्रहलाद जोशी जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिराज सिंह जी के पास जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद श्री ज्योतिराव सिंधिया के पास जो मिनिस्ट्री है कम्युनिकेशन की है, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की है, ठीक है। उसके बाद श्री हरदीप सिंह पुरी के पास जो मिनिस्ट्री है वो है पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, श्री चिराग पासवान जी के पास जो मिनिस्ट्री है वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, ठीक है। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज थे, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, करंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सारे के सारे हमने कवर कर लिए, कुछ इसमें हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं जोड़ा है, ठीक है, जिसको क्वेश्चन की फॉर्म में और जो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं की थे हमने यहाँ पे इनको कवर कर लिया है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप किसी भी JKSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद JKPSI की कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया था 20, जैसे हमने 22 क्वेश्चन किए, 22 में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।